अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार आगे बात कर लेना तो सारी चीजें सेट हो जाती है। एक काम तो होता नहीं होता, आ जाएंगे अभी बोल दिया तुम्हारे सामने इस दिन सामने फोन लगा दिया। अम्मी तैयार कर रही है, चला आ जाओ बैठ जाते हैं। आ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ यहाँ बीच में बैठ जाओ जबरदस्ती रास्ते पर बैठ जाए। मैडम मैं सीएम हूँ, मैंने पहले बार आपको बोला और मैंने भी यही कहा कि डीओ इंटरव्यू में बैठे हैं। आप पहले बताया होते तो मैं आपकी पहले से व्यवस्था करता, आप अपना ज्ञापन दे दीजिए। मैं हूँ ना, थोड़ी जानकारी मिल जाती है, कमर चेता आ जाएगा और किस कारण से नहीं बता सकते जो सरकार के काले में पहली बार आए हो ज्ञापन देने। तो आप अपना ज्ञापन दे दीजिए, आपका ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को जिसको भी आपने संबोधित किया उनको प्रेषित कर दिया जाएगा, उसकी सूचना आपको जी उधर शाम तक कल आ जाइए फिर 11 बजे। कभी भी ज्ञापन देना हो तो छोटी सी सूचना तो पहले आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप चाहते हैं आए और आपके बाद कहा था कि किसी से बात करी हो तो पहले बता दो, बोले नहीं बात की तो इसे करो वो उठा के आगे हर बार मुलाकात हो जाती है। नहीं ना, आज इंटरव्यू में बैठे मैं बैठा हूँ, मैं सीएम हूँ यहाँ सीएम हो चाहती हूँ। आप ज्ञापन का वाचन कर दो, आपको ज्ञापन दे दो, आप वाचन कर दो। अच्छा माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी, मध्य प्रदेश शासन भोपाल प्रदेश में अभी तक किसी भी स्कूल में विगत 2 वर्षों छात्रवृत्ति नहीं डाली गई, इसके कारण छात्र परेशान हो रहे हैं और निरंतर अपने शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे। हम लोग चाहते हैं कि सर शिक्षा अधिकारी को बुलाइए, आप थोड़ा सा उनसे बात करना है कि कहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है शासन के स्तर से। हाँ वो मेरी बातें हुई थी उनसे डीओ सर से, उन्होंने बोला कि शासन डालेगी तब आई क्या होगा, वो बता रहे हैं कि शासन डालेगी तब डालेगी। शासन के बाद चुनावी रैलियां करने के लिए बैठे हैं, आंदोलन यात्रा निकालने के लिए बैठे हैं और छात्रों को छात्र देने के लिए कोई बैठा नहीं जी सर। तो सर हम अंदर जाए नहीं, हम यही बुला लेते हैं ना आपको, कलेक्टर साहब से मिलना सर, अभी सबसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, डीओ आ जाएंगे, मैं कलेक्टर साहब का प्रतिनिधि हूँ, मैं एसडीएम हूँ यहाँ का जी सर। सर तुम्हारे काफी पावन कर दो, गाड़ियों के नंबर बीडीजी पे देख देख के हटवा देगा नहीं व्यवस्थित कर सर, बता दिया है उनको पर गए वो बताने में कोई मम्मी नंबर दिखेगा, बीडीजी पे नंबर देखो मोबाइल नंबर बताएगा आदमी का। किस विषय को लेकर आए थे आप कलेक्टर कार्यालय? आज हम डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन के तत्वाधान में मध्य प्रदेश शासन की ओर से विगत 2 वर्षों में लगातार किसी भी स्कूली छात्र की छात्रवृत्ति नहीं डाली गई है और मध्य प्रदेश शासन का कहना है कि उनके पास बजट नहीं है। मध्य प्रदेश शासन के पास चुनावी रैलियां करने के लिए लाडली बहना जन आशीर्वाद रैलियां निकालने के लिए उनके पास पैसा है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वहां सिरने का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मध्य प्रदेश शासन को पता है अगर उन्होंने सही शिक्षा दे दी छात्रों को तो ये उनसे सवाल करेंगे और इन सवालों के जवाब उनके पास नहीं रहेंगे। मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन को ये कहना चाहूंगा अगर 10 दिनों में छात्रवृत्ति नहीं डाली गई तो डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन प्रदेश लेवल पर महाआंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। अभी आपको क्या आश्वासन मिला यहाँ से? अभी एक जन आपको ज्ञापन दिया है तो उन्होंने कल जन सुनवाई में आने को कहा है, वहाँ पर मिलकर बात करते हैं कि लोग क्या कहते हैं, तो हम प्रदेश लेवल पर आंदोलन करेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आपका नाम और पद? संदीप माली, डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन संभागाध्यक्ष। ओके।